तो देखिए, टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार सस्ते दामों पर प्याज बेचेगी। एनजीसीएफ प्याज की कीमतों से राहत देने के लिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दरों की बिक्री शुरू करेगी। टमाटर के बाद अब केंद्र सरकार सस्ते भाव पर प्याज मुहैया करवाने जा रही है। सस्ते भाव पर प्याज की बिक्री सरकारी एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनसीसीएफ करेगी। एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचेगी। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए प्याज का बफर स्टॉक 3 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन अब सरकार ने इसे 2 लाख टन और बढ़ा दिया है। यही नहीं, प्याज के एक्सपोर्ट पर अब 40% ड्यूटी भी लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस कदम को प्याज की कीमतों में तेजी की आशंका को दूर करने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्याज पिछले साल से 14 गुना महंगा हो चुका है, यानी 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल वैन और खुदरा दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत अभी 37 रुपए प्रति किलोग्राम है। दरअसल बारिश होने की वजह से प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। अभी जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आ रहा है, जिससे लागत और बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में शनिवार की रात एक युवक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या का मकसद साफ नहीं है। आरोपी का कहना है कि गलत पहचान की वजह से दूसरे युवक की जान चली। राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज मर्डर, घर में घुसकर युवक को उतारा मौत के घाट, गलत पहचान से गई युवक की जान। शनिवार को दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। घर में घुसकर 27 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। हर रोज की तरह राहुल नाम का शख्स अपने परिवार के साथ खाना खाकर आराम कर रहा था, तभी किसी ने अचानक दरवाजा खोलकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। कपड़े लेकर आया था बैग में, सारे पैक पुक करके, मतलब उसका इरादा यही था कि मैं गोली मार के और कपड़े चेंज करके, नंबर प्लेट चेंज करके और यहाँ से फरार हो जाऊँ, न किसी को देखूँ। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी करण ने बताया कि उसका संजय नाम के एक शख्स से पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसी का बदला लेने के इरादे से उसने युवक पर गोली चला दी। गोली राहुल नाम के शख्स को लग गई। फिलहाल परिजन आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आरोपी करण पकड़ा गया है, वही इस पूरी हमला में शामिल था या किसी के कहने पर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ये सारी चीजें अब आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। कैमरा पर्सन सतेन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, फतेहपुर बेरी, दिल्ली। और देखिए आगे बढ़ते, देखिए आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है और इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 33 रन से जीत लिया। डबलिन के द विलेज स्टेडियम में भारत ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में आयरिश टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। मैच का टारगेट पॉइंट भारतीय पारी के आखिरी 2 ओवर रहे। इनमें रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी ने 42 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 21 बॉलों पर 38 रनों का योगदान दिया, वहीं शिवम दुबे 16 बॉलों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। 186 रन का टारगेट चेस करने उतरी आयरिश टीम 8 विकेट गवाकर 152 रन ही बना सकी। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को डबलिन में खेला जाएगा। इस बार टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।